नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे आर्यन की मन्नत पूरी करने में रोड़ा अटका रहे हैं। जिन चैट्स का खुलासा किया जा रहा है उसमें ये बात खुली है कि किसी एक्ट्रेस के साथ आर्यन बात कर रहे थे और वो भी ड्रग्स को लेकर। क्या कुछ खुलासे हुए हैं इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान लंबे समय से ड्रग्स केस के चलते जेल में बंद हैं। उन्हें 3 तारीख को एक रेव पार्टी में शामिल होने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने एक रेड के दौरान इस रेव पार्टी में ही आर्यन को हिरासत में लिया, जिसके बाद अब आर्यन की जमानत पर जमानत खारिज हो रही है। आज फिर सुनवाई के बाद आर्यन की जमानत खारिज हो गई। लेकिन इस बीच आर्यन खान की ड्रग्स को लेकर एक चैट सामने आई है। कोर्ट में जमा की गई चैट में आर्यन खान एक अपकमिंग एक्ट्रेस से बात कर रहे हैं, जिसमें दोनों ड्रग्स पर चर्चा कर रहे थे। आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई से पहले एनसीबी ने मुंबई की रेव पार्टी के दौरान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स पर चर्चा करते हुए व्हाट्सएप चैट जमा की है। इससे पहले एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत याचिका की सुनवाई में अदालत को जवाब दिया था, जिसमें कहा था कि जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सामान से मुख्य रूप से पता चलता है कि आर्यन खान की ड्रग्स की अवैध खरीद और विक्रेता के रूप में एक भूमिका है। अपने जवाब में एनसीबी ने कहा कि ये पहली नजर में पता चला है कि आर्यन खान अरबाज मर्चेंट और अरबाज मर्चेंट से जुड़े स्रोतों से कंट्राबैंड की खरीद करते थे, जिसके जूते से 6 ग्राम चरस भी बरामद की गई है। आर्यन और अरबाज एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं, जो इस अपराधों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। एनसीबी के पास ये दिखाने के लिए भी पर्याप्त सबूत हैं कि आर्यन विदेशों में कुछ व्यक्तियों के संपर्क में थे, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा नजर आते हैं। इस चैट को कोर्ट में सौंप दिया गया है और यही चैट अब आर्यन की जमानत पर काल बनी है। फिलहाल आर्यन आर्थर रोड जेल में बंद है, जहां उनका एक एक मिनट मुसीबत से कट रहा है। लेकिन आर्यन के खिलाफ मिल रहे सबूत उन्हें जेल से बाहर निकालने में रोड़ा पैदा कर रहे हैं। अभी एनसीबी आर्यन के खिलाफ कई और सबूत पेश कर सकती है। आर्यन के वकील अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे क्योंकि एनसीबी ने चैट्स का हवाला देकर आर्यन की बेल अटका दी है। अब किसी एक्ट्रेस का भी नाम इसमें जुड़ चुका है, जिसकी जांच हो रही है और अभी लगता है कि लंबे वक्त तक आर्यन को जेल में ही रहना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।